हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेरी टेस्टी रेसिपी। एंड आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी एंड इजी मेथड से बिना ओवन के चॉकलेटी केक बनाना बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं इस केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता। तो देखिए फ्रेंड्स, बिस्किट से चॉकलेटी केक बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेटी बिस्किट। आप कोई भी ब्रांड का चॉकलेटी बिस्किट ले सकते हैं। मैं यहाँ पार्ले फैब बर्बन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का चॉकलेटी बिस्किट ले सकते हैं। दूध, ये मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध यूज़ किया है। शुगर, ये मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर ली थी। और इनो, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है चॉकलेटी। देखिए, सबसे पहले हमें अपने इन बिस्किट को मिक्सर में डालकर फाइन पाउडर बना लेना है। और इसमें से मैंने कुछ चॉकलेट वाला पार्ट निकाल लिया है ताकि हम केक के ऊपर एक चॉकलेट लेयर डाल सकें। तो चलिए अब हम इन बिस्किट को मिक्सर में डालकर फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने बिस्किट को जार में डालकर फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम इस पाउडर को एक बोल में निकाल लेंगे और केक बनाने के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो चलिए अब इसका बैटर तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहले एक बोल में थोड़ा सा तेल लेना है। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके बैटर तैयार करते हैं। तो चलिए बैटर तैयार कर लेते हैं। देखिए, एक बोल में मैंने अपने बिस्किट के फाइन पाउडर को निकाल लिया है और इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। अब हम दूध की हेल्प से अपने इस केक के बैटर को तैयार करते हैं। तो चलिए बैटर तैयार करते हैं। केक बनाने के लिए हमारा बैटर रेडी है। इसमें मैंने इनो भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको इस तरह के एक कंटेनर में निकाल लेंगे। सबसे पहले इस कंटेनर को हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और इसमें बटर पेपर लगाकर हम अपने इस बैटर को डाल देंगे। तो चलिए हम अपने इस कंटेनर को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। मैंने इस कंटेनर को अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है और इसमें बटर पेपर भी डाल दिया है। मैंने ये बटर पेपर घर पर भी बनाया है, आप इसे इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। अब हम अपने इस बैटर को अपने इस कंटेनर में डालेंगे। तो चलिए अपने इस बैटर को इस कंटेनर में डाल लेते हैं। कि मैंने अपने बैटर को इस कंटेनर में निकाल लिया है और अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसे कढ़ाई पर एक स्टैंड लगाकर इस पर रख देंगे। ये मैंने पहले से ही कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर इस पर अंदर नमक डालकर एक स्टैंड लगा रख दिया था। अब हम अपने इस कंटेनर को इस स्टैंड पर रखेंगे और एक थाली से ढक देंगे और 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। तो चलिए कंटेनर को इस स्टैंड पर रख देते हैं। देखिए, मैंने अपने इस कंटेनर को इस कढ़ाई के ऊपर स्टैंड पर रख दिया है। अब हम इसे एक थाली से ढक देंगे और अब हम इसे 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। तो चलिए हम इसे थाली से ढक देते हैं और 25 से 30 मिनट तक वेट करते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से थाली से ढक देना है। अब 25 से 30 मिनट तक इसे हम बेक करेंगे और तब तक हम वेट करते हैं। तो देखिए, जब तक हमारा केक रेडी होता है तब तक हम चॉकलेट सिरप बना लेते हैं केक को गार्निश करने के लिए। तो चलिए हम चॉकलेट सिरप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें दूध डालेंगे। चलिए देखिए, इसमें हमने दूध डाल दिया है। अब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे और चीनी डालकर चलाएंगे। तो चलिए हम चॉकलेट और चीनी डाल लेते हैं। देखिए, इसमें मैंने चीनी और चॉकलेट डाल ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड कर देंगे और इसको गाढ़ा होने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे और हम इसका गाढ़ा सा सिरप तैयार कर लेंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा बटर और डाल देते हैं और फिर इसका हम गाढ़ा सिरप तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बनकर एकदम रेडी है। अब हम इसे एक चम्मच की हेल्प से चेक कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल साफ निकला है, हमारा केक एकदम रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने इस केक को डीमोल्ड कर लिया है। ये केक कितना स्पंजी बना हुआ है। अब गार्निशिंग के लिए हम पसे चॉकलेट सिरप, जो मैंने खुद बनाया है, और ड्राई फ्रूट्स डालकर ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। तो चलिए इसे हम गार्निशिंग कर देते हैं। देखिए हमारा केक बनकर एकदम रेडी है। अगर आपको मेरे इस केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप भी इसे अपने घर पर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।